ICRUG 2022 और 23 के लिए एग्रीकल्चर का लेटेस्ट सिलेबस क्या है? क्या एजी के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? ICRUG एग्रीकल्चर के सेक्शन में मार्किंग प्रोसेस कैसे होता है? क्या एजी के लिए नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है या नहीं? ICR एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए क्या कोई ऐसा सीक्रेट बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसे हम फॉलो करके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए? अगर आप स्पेशली ICR के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको पता होगा ICR में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर। अगर कोई भी एग्रीकल्चर सेक्शन में टॉप कर ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे यूनिवर्सिटी में रैंक हासिल करने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कुछ भी आपका डाउट है। ICR का जो एग्रीकल्चर सेक्शन है मैंने लिख के लाया हूँ, यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करूँगा और इस वीडियो के एंड में एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको बताऊँगा। पूरे यूट्यूब में ये बात किसी ने भी डिस्कस नहीं किया कि ICRUG में जो एग्रीकल्चर सेक्शन उसमें टॉप कैसे करें। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, तो अभी जाके मैं जो भी आपको डिस्कस करूँगा आपको अच्छे से समझ में आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो ICR का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो कुछ भी डाउट एक एक कर डिस्कस करेंगे, उसका लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट स्ट्रैटेजी, लेटेस्ट मार्किंग प्रोसेस, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, पहला पॉइंट है ICR का जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उसे कम टाइम में कैसे कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाए। तो ये बात एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि ये बात, ये सीक्रेट मैं एंड तक ही आपको डिस्कस करूँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ICRUG एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट चैप्टर है वो क्या क्या है, तो आपको एक एक करके बताऊंगा। प्लीज़ जो भी बता रहा हूँ एक एक करके नोट कर लेना, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस है ICR का जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। ओके, पहला है एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। फोर्थ है क्रॉप प्रोडक्शन। फिफ्थ है हॉर्टिकल्चर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर। ओके, भी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ICR एग्रीकल्चर सेक्शन में मार्किंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा ICR का जो एग्रीकल्चर सेक्शन है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछता है। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 4 होता है, मतलब 50 × 4 = 200 मार्क। लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 4 मार्क होता है। अगर कोई भी बंदा कोई किसी भी क्वेश्चन को गलत करता है तो उसका -5 नेगेटिव मार्किंग होगा। कैसा होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। ओके, अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ओके, 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए तो आपको मिलेगा 10 × 4 = 40 मार्क। लेकिन अगर आप उसमें 5 क्वेश्चन सही करें और 5 क्वेश्चन गलत करें, ये बात ध्यान से सुनो, आपको 5 क्वेश्चन सही करने से मिलेगा 5 × 4 = 20 मार्क। अगर आप गलत कर गए तो आपको 5 × 5 = 25 मार्क आपका नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखो। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस और 100% श्योरिटी होने के बाद ही आप अटेम्प्ट करो, नहीं तो आपको एक एक मार्क का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखो, मैंने ये गलती की थी इसलिए ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ICR एग्रीकल्चर सेक्शन में टॉप करने के लिए सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, तो उससे मैं अभी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्पेशली ICR एस्पिरेंट हो, ICR के रिलेटेड जो कुछ भी डाउट है, ICR के इस साल की कट ऑफ, ICR की सैलरी, ICR का फिजिक्स स्ट्रैटेजी, केमिस्ट स्ट्रैटेजी, बायो स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ ICR UG PG के नाम पे।
इस वीडियो को नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से क्लिक करूँ, नहीं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करके ICRUG सारे वीडियो एक एक करके देख लो, तो अभी जाके जो कुछ भी डाउट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी आते हैं जो बेस्ट स्ट्रेटेजी और सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पूरे YouTube में किसी ने भी नहीं बताया हुआ। मैं इसे यूँ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 6 बार अटेम्प्ट किया है ICR। ओके, उसमें फेल भी हुआ हूँ, क्वालिफाई भी किया हूँ, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ICR एग्रीकल्चर सेक्शन में टॉप करना चाहते हो तो सिलेबस कवर करो या ना करो, लेकिन ICR एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसका 5 या 10 साल पहले का सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर लो। ओके, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करो, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को रट्टा मार लो। ये मैंने फील किया है और मैंने ये बहुत सारे गलती करने के बाद को आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि इसी तरह की अथेंट वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख देना। ओके, मैंने क्या बताया कि आपको 5 या 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के आना है और उसे रट्टा मार लेना है, दिमाग में अच्छे से रख लो। अगर 50 क्वेश्चन में से डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ गया प्रीवियस में, 30 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आएगा, और जो भी 20 क्वेश्चन बचा वो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से एनालिसिस करोगे, ओके, उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास के क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आया, ये बात लिख के रख लो। अगर आप ICR में टॉप करना चाहते हो और भी एग्रीकल्चर सेक्शन में, ये बात ध्यान रखो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक एक करके लाना है, रट्टा मारना है और एनालिसिस करना है, नहीं तो कभी भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके, अगर फिर भी आपके दिमाग में 1% का डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।